गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ देंगी ये डर से मैं छुटकारा कैसे पाऊं, इसके बारे में मुझे फोन आया एक लड़के का कुछ दिन पहले। बोले कि मेरी गर्लफ्रेंड है, हम काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में हैं और मुझे मगर बार बार ये डर लगता है कि भाई कहीं मुझे वो छोड़ के ना जाए। ऐसा एक फियर है, काल्पनिक भय उसको है और वो भय उसको सताते रहता है। बोले मैं इसके लिए क्या करूँ बताइए। तो मैंने उसको जो कुछ टिप्स दिया उसके बारे में मैं बातचीत कर रहा हूँ आपसे। मैंने उसको बोला कि भाई आप क्या करो कि आपकी इजी अवेलेबिलिटी जो है ना वो कम करो। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी अवेलेबल है उसको, उसने कभी भी फ़ोन किया आप तुरंत फ़ोन लेते हो, कभी भी कुछ बोला तो तुरंत फ़ोन लिया, तुरंत चैट किया, तुरंत जवाब दिया, यह सब बंद कर आप अपने आप को रेयर करो। देखो जो रेयर होता है ना उसकी कीमत होती है, रेयर जो है मतलब जो कम है उसकी कीमत होती है। मैंने क्या किया, एक बार कुछ चॉकलेट लाया और बहुत ही बढ़िया चॉकलेट थे, तो मैंने हमारे घर में 5 लोग हैं तो मैंने 5 चॉकलेट लाए। अब जैसे मैंने 5 चॉकलेट ला लिए, लाते से फटाफट लोगों ने एक एक उठा लिया, 5 को 5, 5 की 5 ख़त्म हो गए। अगले बार जब मैं गया था मार्केट में तो वही दुकान में अभी भी चॉकलेट बाकी थे, तो मैंने क्या किया एक 20 चॉकलेट खरीद के लाए। मतलब पिछले बार 5 ही लाए थे तो अभी 20 ले लो। जैसे 20 लाए तभी भी फटाफट हमारे 5 लोगों ने उठा लिए क्योंकि पहली बार ख़त्म हो गए थे और 20 के 20 ख़त्म हो गए। तीसरी बार जब मार्केट में गया तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम जितना उसका स्टॉक था 100 चॉकलेट का, पूरा 100 के 100 चॉकलेट बड़े थे तो वो पूरे उठा के ला लिया घर में। अब क्या हो गया, अभी हो गया अबंडेंस और अभी कोई उठा ही नहीं रहा उसको। अब सबको मालूम है कि ये इजीली अवेलेबल है, अभी कोई उठा नहीं रहा, उसकी डिमांड ही कम हो गई। आपकी डिमांड बढ़ाना है आपको रेयर होना पड़ेगा, कम है, स्केयरसिटी है, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा मैंने उसको बोला। तो अपने आप को स्केयर करो, रेयर करो। नेक्स्ट, अपने आप को ऐसा तैयार करो कि आप ना बोलना सीखेंगे, कभी भी ना बोलना चाहिए। हर बार भी यदि हाँ बोलेंगे तो फिर आपकी कीमत कम हो जाती है, तो ना बोलना सीखो। कभी कभी ना बोलने का है और वो फर्म रहने का है, तो फिर सामने वाले को जरा गेसिंग करना पड़ता है कि हाँ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो आप चीप नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, ना भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, आप अपने आप को बहुत खुश बताओ, हैप्पी बताओ कि मैं तुम्हारे सिवा भी खुश रह सकता हूँ। लोग क्या उल्टा बोलते रहते, नहीं नहीं तुम्हारे सिवाय मैं खुश रह नहीं सकता, बस मेरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए है वगैरह वगैरह। मैं तुम्हारे सिवा भी खुश रह सकता हूँ, अपना स्टेटस जो है वो बदलते जाओ, खुश है शेयर करते जाओ, कहीं खाना खाने गए वो शेयर करो, कहीं पिक्चर गए वो शेयर करो, ताकि उसको लगे अरे बहुत हैप्पी और मेरे सिवा भी हैप्पी रह सकता है, ऐसा उसको लगना चाहिए। और वो यदि करते हैं तो वो आपके लिए तरसेंगे। फिर कोई भी बात करना है तो अपने अपने बारे में डिटेल मत बताओ, कभी भी अपने बारे में कम से कम बात करना। एक तो बात करना ही नहीं जब मिलते हैं, तब उसको बोलने देना, लिसनिंग करना, सुनना, और जब बोलेंगे तो अपने आप के बारे में बहुत ही कम चीज़ें बताना, ताकि उसको गेसिंग करते रहना चाहिए कि भाई इसका चल रहा क्या है इसके लाइफ में। क्या होता है कि अपना पूरा सब बता दिया तो उसको कोई गेसिंग करने के लिए है नहीं, जानने के लिए कुछ है नहीं, सभी कुछ उसको मालूम है, तो उसको जो उत्सुकता रहती है ज़्यादा सोच कि भाई क्या चल रहा होगा, तो वो सोचते रहना चाहिए, उसको ऐसा एक ईगरनेस रहना चाहिए बात जानने के लिए। फिर नेक्स्ट, अपने आप को प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी दो मतलब ऐसा है कि समझो आप फ़ोन लेते हैं तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि फ़ोन ले लिया तो अपने गर्लफ्रेंड को फ़ोन दे दिया, बोले मैं आपको प्रेजेंट दे रहा हूँ, तेरा पुराना फ़ोन मुझे दे दे, या मेरे इसमें बैलेंस नहीं है तो ठीक है मैं बाद में मेरा बैलेंस मार लूँगा मोबाइल में, मैं तेरा बैलेंस मार के देता हूँ। मतलब प्रायोरिटी तू है, ऐसा नहीं प्रायोरिटी मैं हूँ, मैं मेरे लिए करूँगा, बाद में जो भी है वो होगा, प्रायोरिटी मैं हूँ। तो ऐसा आप करेंगे तो उसको ये पता चलेगा कि नहीं भाई इसका चलता है और ये खुद को सम्मान देता है, मान सम्मान देता है और खुद के लिए ये काम करते रहता है, अपन सेकेंडरी है। फिर नेक्स्ट, बार बार आई लव यू, आई केयर फॉर यू, ऐसा ये बार बार बोल दिया तो उसकी भी कीमत कम हो जाती है। देखो कोई भी व्यक्ति को आई लव यू ऐसा सुनने के लिए अच्छा लगता है। अब वो आपने बहुत बार बार बोल दिया तो उसका मजा चले गया। आई केयर फॉर यू अच्छा लगता है उसको, आई मिस यू उसको भी अच्छा लगता है कि अच्छा मिस किया, तो बार बार बोलेंगे तो कीमत नहीं रहेगी। तो ये शब्द का इस्तेमाल बीच बीच में करना चाहिए, ऐसा बहुत ही इजीली चीप वे से करेंगे तो उसकी कीमत निकल जाती है, क्योंकि वो उसको तरस से रखना चाहिए कि नहीं नहीं वो सुनना चाहिए उसने कि भाई ये मतलब सुनने का इंतज़ार कि भाई कब बोलेंगे आई लव यू, ऐसा उसने तरसना चाहिए तो फिर उसकी मजा है। तो ये जब बोल दिया उसको तो बोले मैं, वो लड़का बोल रहा था कि मैंने पूरा अभी तक उल्टा किया जो आपने बताया वो, और पूरा उल्टा किया तो शायद हो सकता है कि उसके लिए मेरे को डर था, अभी मैं इस तरह से आपने जो बताया उस तरह से मैं डेफिनेटली करूँगा और मुझे पक्का विश्वास है कि मैं उसको खोऊंगा नहीं, मैं भी बहुत रिलैक्स हो गया, ऐसा बोल के वो निकल गया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर वो सब लोगों को शेयर करो,
कि जिनको गर्लफ्रेंड खोने का डर है या उनको लगता है कि नहीं खो दूंगा तो क्या होगा। थैंक यू वेरी मच।